हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी फिनिश द लिंकेज इन विच वी डील अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कंप्लीट हो चुका था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन एंड दिस टॉपिक इज हाईली इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड एज वेल एज फॉर द कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी जरूरी था। पिछले जो हमने वीडियो देखे थे क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, वो बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट ये जो आज का वीडियो है और जो अपकमिंग जो वीडियो रहेंगे सेक्स डिटरमिनेशन पे, दे आर हाईली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन का मीन कि जो अपकमिंग जो ऑफस्प्रिंग है, जो आने वाली संतान है, उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा, और इन्होंने उस चीज को कौन डिसाइड करेगी कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दैट इन्होंने द सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं कि उसकी जो अर्ली स्टेज है लाइफ की, उसको कौन डिटरमाइन करेगा। ठीक है, वो चीज। तो अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन अर्ली स्टेज देयर आर मेनी फैक्टर, फैक्टर बोल दे या फिर थ्योरीज फॉर इट। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज गिवन हैं। ठीक है, तो वो हमें वन बाय वन करके देखनी है, कौन कौन से फैक्टर्स में इन्वॉल्व होंगे, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, अगर हम फैक्टर्स की बात कर दें तो मे बी एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा, जो एनवायरमेंट के फैक्टर हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा नॉन एलोलोसोम जेनेटिक डिटरमिनेशन, यानी कि जो जीन नहीं है वो भी इसको डिटरमाइन कर देंगे। तो नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन, एसडी का मीन दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन। नेक्स्ट वन इज द एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, ये था नॉन और ये है आपका एलोसोमिक। एंड लास्ट वन इज द दैट इज हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन। ये जो हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन है बी की केस में होता है, और यहां से भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो काफी मेन। ठीक है, अब इन थ्योरी पे आने से पहले जो कुछ सेक्स डिटरमिनेशन का जो बेसिक है उसको हम डील करते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें देखते हैं, बेसिक जो टर्म्स है वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्स का डिटरमिनेशन वो तीन टाइप से हो सकता है। ठीक है, ऑन थ्री टाइप्स, तीन टाइप से हो सकता है, और उनके लिए हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो सेक्स का डिटरमिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे दैट इज प्रोगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, प्रो का मतलब पहले, अर्ली, सेक्स व्हेन सेक्स डिटरमिनेशन इज बिफोर फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइजेशन के जोड़ने से पहले ही डिटरमाइन हो जाए कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, उसको आप बोलोगे प्रोगेमी। प्रो का मतलब अर्ली। ठीक है, आप बोलोगे ये कैसे हो सकते हैं, तो बेटा इसको हम पढ़ेंगे जो भी मैंने बोला था दैट इज हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो ड्रोन इन हनी बी ऐसे लिख दें एग्जाम्पल में, इसको हम डिटेल से बाद में डील करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले कैसे डिटरमाइन हो सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर बोला था हैप्लोडिप्लोइडी काफी इंपॉर्टेंट है, उसी में हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि मेल बी डोंट हैव द फादर बट हैव द ग्रैंड फादर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, दूसरा दैट इज सिनगैमिक। सिन का मीन आपको पता ही है, सिन का मीन होता है फ्यूजन,
तब गैमेट जुड़ने के दौरान सेक्स का डिटरमिनेशन हो तो सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमेट के जोड़ने के दौरान ही सेक्स का डिटरमिनेशन होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल की बात कर दें तो इसमें आ जाएगा मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे मेनली फॉलो द क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है, कि जो सेक्स डिटरमाइन होगा वो क्रोमोसोम की वजह से डिटरमाइन होगा। एंड द थर्ड वन इज द एपिगेमिक, एपी का मतलब होता है ऊपर या फिर बाद में, ठीक है। तब सेक्स का डिटरमिनेशन हो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट इज नोन एज द एपिगेमिक सेक्स डिटरमिनेशन, एग्जाम्पल इनके जरूरी रहेगी, ठीक है। तो सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में तब सेक्स का डिटरमिनेशन, ठीक है। तो ऊपर हमने पहले एग्जाम में पढ़ा था ड्रोन दैट इज मेल की बात हो रही थी, ठीक है। अभी इसके किस हम लिख सकते हैं फीमेल इन हनी बी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है हैप्लो डिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टाइप के हो सकते थे वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अगर हम बात करें अभी के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक होते हैं आपके सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं दो तरह के क्रोमोसोम्स की बात कर लें ताकि हम आगे इनको अच्छे से समझ पाएं कि इनका क्या क्या रोल होगा, सेक्स क्रोमोसोम का क्या रोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दें क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे और इनका काम क्या क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। पहला क्रोमोसोम है बेटा दैट इज ऑटोसोम, ये टर्म बार बार आगे तक हम आएगी, ऑटोसोम बोल दें या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम बोल दें, सोमेटिक क्रोमोसोम, ठीक है। पहला होगी ऑटोसोम या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम, नेम रिप्रेजेंट करने लगता है सोमेटिक, तो ये किसको रेगुलेट करेंगे, सोमेटिक करेक्टर को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो दीज क्रोमोसोम्स रेगुलेट सोमेटिक करेक्टर ऑफ बॉडी, सोमेटिक करेक्टर हाथ पैर की जो हो गई, ग्रोथ को गई, जो स्किन को गई, जो बाहर से दिखाई दे रहे हो आपके सोमेटिक करेक्टर में, ठीक है। दूसरा आ गया डेट इज एलोसोम या फिर हेट्रोसोम या फिर जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, तो सेकेंड वन इज द एलो, एलो का मीन होता है डिफरेंट, ठीक है। ओटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जनरली हम इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से ही जानते हैं। अब जैसे नेम बताने लग रहा है तो इसका काम क्या होगा, सेक्स को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो दीज क्रोमोसोम्स डिटरमाइन सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर अपकमिंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते, ठीक है। अब किस किस ने क्या क्या टर्म दी वो एक बार हम देख लेते हैं कि किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें वो एक बार देख लेते हैं। तो बेटा जो एलोसोम और जो हेटोसोम टर्म है, मैं इधर स्टार बना के लिख रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट में, एलोसोम एंड हेट्रोसोम टर्म गिवन बाय, ऐसे कह लेते हैं टर्म गिवन बाय, ठीक है। जो ये टर्म थी वो किसने दी, दैट इज गिवन बाय द मोंटगोमेरी, मोंटगोमेरी,
ठीक है, मोंटगोमेरी नहीं, ये टर्म और क्यों है, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ठीक है, तो फर्स्टली सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय डीक्यू पर, यू मीन डिस्कवर्ड बाय क्या नाम था, दैट इज एमसी क्लंक। ठीक है, एमसी क्लंक ने क्या, किसके अंदर किया, इन ग्रास ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो एक्स क्रोमोसोम है जो हम पढ़ते हैं एक्स और वाई, वो किसने डिस्कवर किया? तो नेक्स्ट पॉइंट में, ये सभी पॉइंट मेन है। तो एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय, तो नाम आता दैट इज हैंकिंग, हैंकिंग नाम आता है, और इसको क्या बोला, कॉल इट एक्स बॉडी, और इसको क्या बोला था, एक्स बॉडी बोला था। ऐसी एक टर्म सुनते हो बार बॉडी, जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक्स माइनस वन लिख के हम इसका नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है वो किसने दी, लास्ट पॉइंट देख लेते इधर, एक्स्ट्रा पॉइंट है, दैट इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन गिवन बाय, तो यहां पर दो साइंटिस्ट का नेम आते, दैट इज विल्सन एंड स्टीवंस, ये दो नाम आते हैं। जितने भी पॉइंट हो काफी मेन है, यहां पर ध्यान रखना सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन है, कि क्रोमोसोम जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही आपने एक पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज गिवन बाय सटन एंड बोवरी, याद होगा शायद, करवाया था। एक था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, कि जहां जहां पर क्रोमोसोम जाएंगे उसके ऊपर अटैच जीन भी उसके साथ में पास आउट होंगे। ठीक है, तो जो था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, दैट इज गिवन बाय द टीएच मॉर्गन। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अलग अलग यहां पर हम देख चुके हैं। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए काफी अलग अलग तरह के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी में हम सबसे पहले आ जाते हैं जो हमने लिखा था, दैट इज एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम टाइप पे आ जाते हैं, फर्स्ट दैट इज एनवायरमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स। इसी तरीके से फिर हम क्रोमोसोमल की बात करेंगे, इसी तरीके से फिर जो हैप्लोइडी डिप्लोइडी सेक्स डिटरमिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे, तो हम एक एक करके इन सभी को डील करते हैं। ठीक है, देखिए एनवायरमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स, तब सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल हो जाए। ठीक है, और इसके केस में जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो कैसे रहेंगे, जनरली हर्मोफ्रोडाइट नेचर के रहेंगे, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल रहेंगे, मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा, तो वो अपने सेक्सेस को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, ये जेनेटिक डिटर्मिनेशन हो गया, फिर नॉन जेनेटिक, भाई अगर एनवायरमेंट से हो रहा है तो जीन तो इन्वॉल्व ही नहीं दे, तो इट इज नॉन जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सेक्स डिटरमिनेशन विच इज टोटली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, जो टोटली एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, एंड ऑर्गेनिजम्स आर, इफ योर ऑर्गेनिज्म इज हर्मोफ्रोडाइट, एक टर्म लिख रहा हूं मैं, दैट इज
हर्मोफ्रोडाइट। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, दैट्स मीन द बाइसेक्सुअल, आल्सो नोन एज द मोनोसियस। ठीक है, दोनों तरह के सेक्स होंगे। और ये जो सेक्स का एक्सप्रेशन है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड सेक्स एक्सप्रेशन कि कौन सा एक्सप्रेस होगा, मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा, एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक दो एग्जांपल देखते हैं, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेके हम चलते हैं। पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं बोनेलिया का। फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज बोनेलिया। बोनेलिया का नाम आपने सुना होगा 11th में, तब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो मैराइन वो में ही दिस वन इज द मैराइन वो ब्लोनागलस के अंदर आते हैं, ब्लोनागलस के अंदर। ठीक है, अब इसकी ये जो वॉर्म है जो मेराइन वाटर के आसपास में रहता है जमीन में, उसकी कंडीशन क्या रहेगी वो चीज हमें देखनी है। कि देखिए, अगर इसका जो लार्वा है ना, अगर बोनेलिया का लार्वा वाटर सिस्टम के अंदर फ्री जाके सेट हो रहा है जहां पर कोई भी नहीं है, ये लार्वा पानी में था। ठीक है, दिस वन इज द लार्वा। अगर वो पानी में कहीं जाके अकेला सेट हो गया तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, फीमेल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर बोनेलिया का लार्वा दिस वन इज द लार्वा, अगर वो फ्रीली सेट हो गया, अकेले सेट हो गया है, ठीक है, अलोन, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फीमेल के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये लार्वा है और कोई भी लार्वा है, ठीक है, दिस वन इज द लार्वा, अगर ये फ्रीली सेट हो गया, अब इसकी दो कंडीशन है, या तो ये कहीं अलग जाके फ्रीली सेट हो जाए, या फिर ये फ्लोट करता करता किसके पास में आ जाए, इस फीमेल के पास में जाए। अगर ये फ्रीली फ्लोट करता हुआ चला गया और कहीं पे अलग जाके बैठ गया, तो ये फिर से क्या बना देगा, फीमेल बनाएगा। ठीक है, अगर ये मान लो मूवमेंट करता हुआ, फ्री फ्लोट करता हुआ गलती से इस फीमेल के पास में आ गया, यहां पर सेटल हो गया, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेल के अंदर का नोट। समझ में आएगा शायद? तो यहां पर देखिए, मेल बनना और फीमेल बनना किसके ऊपर डिपेंड है, उसके सेटलिंग पैटर्न के ऊपर है। अगर वो फ्रीली सेटल हो रहा है तो क्या बना रहा है, उधर फीमेल। अगर वो फीमेल के पास में सेटल हो रहा है तो क्या बना रहा है, यहां पर मेल बना रहा है। अब ऐसा ही होता है कि फीमेल के पास अगर ये सेट हो गया, बैठ गया, आ गया, तो मेल बनेगा। तो इसके लिए थ्योरी दी जाती है, हार्मोनल थ्योरी। बोलते कि जो फीमेल है वो इस लार्वा के फीमेल हार्मोन को सप्रेस कर देती है। ये जो फीमेल है पहले वाली, वो इस लार्वा के फीमेल हार्मोन को सप्रेस कर देती है। तो अगर फीमेल हार्मोन सप्रेस हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ मेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल का एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेशन है वो सेटलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर फ्री सेटल है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोनेलिया डिपेंड अपॉन अपॉन सेटलिंग पैटर्न ऑफ इट्स लार। ठीक है, अगर फ्री सेटल हो रहा है तो क्या बनाएगा, फीमेल। अगर नियर फीमेल सेटल हो रहा है तो फिर क्या बना देगा, मेल बना देगा। अब इसका जो की पॉइंट है वो क्या है, बिकॉज फीमेल सप्रेस द फीमेल हार्मोन ऑफ लव, सो फाइनली मेल गेट फॉर्म। तो फाइनली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आ गई किसमें, बोनेलिया के अंदर आ गई।
इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, त्रिपिडोला जो मेराइन मोलस्क है उसकी हम बात करते हैं, वो एक कंडीशन रहेगी यहां पर भी। मैं लिख देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, डेट इज त्रिपिडोला। त्रिपिडोला क्या ये मेराइन मोलस्क है, यहां पर भी क्या कंडीशन है, अगर फीमेल की कंपनी है, इन फीमेल कंपनी, तो जो लार्वा है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मेल में, ठीक है, मेल के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर लेफ्ट अलोन, अगर अकेला रह गया तो लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो लगभग वही कंडीशन। और क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको कंपटीशन एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो एक दो से काम चल जाएगा, बट कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी। अब जैसे देखिएगा क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल और टर्टल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इधर एक बार देखिए। अगर मैं बोल दूं कि लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर है, बिलो 28 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर होगी फीमेलनेस फॉर्मेशन, फीमेल की फॉर्मेशन होगी या फिर फीमेल मोड हो। दूसरी कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर अगर हो जाए तो, यानी मोर देन 28, अगर 28 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हाई किसको प्रमोट करेगा, मेलनेस को प्रमोट करेगा, फॉर्म मेल। जब भी ये टॉपिक पढ़ाते क्लास में तो बच्चे झट से बोलते कि जी अगर टेम्परेचर बीच का हो जाए, ठीक है, अगर टेम्परेचर बीच का हो जाए, जैसे कहीं कहीं पर दे रखा है 33 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, अगर जी बीच का हो जाए टेम्परेचर 30 के अराउंड हो जाए तो फिर होगा क्या बेटा, फिर हो जाएगा 50-50 का रेशियो वहां पर डेवलप हो जाएगा। मैं अगली एक एग्जांपल में और ये चीज समझा रहा हूं, टर्टल, सभी ने सुना होगा टर्टल। टर्टल के केस में क्या है, यहां पर देखिएगा, यहां पर भी टेम्परेचर रेस्पॉन्सिबल होगा, अगर बिलो 28 है, अगर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पर हो गया उल्टा, यहां पर क्या जाएगा, मेलनेस, मेल की फॉर्मेशन हो, मतलब कि यहां पर क्या कह रहा था, हाई मोर बोला था, तो यहां पर नियर अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए था, तो यहां पर तो हाई टेम्परेचर बनाना था मेल, और यहां पर लो टेम्परेचर क्या बना रहा है, मेल बना रहा है। इसी तरीके से अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस ये क्या बना देगा, फॉर्म फीमेल, क्या बना देगा, फीमेल बना, तो यानी कि क्रोकोटाइल का जस्ट अपोजिट हो गया किसमें, एक दूसरे में, टर्टल के केस में अपोजिट, ठीक है, लिख दे मैंने। तो बच्चे कई बार बोलते कि अगर इसका बीच का हो जाए, जिसे मान लो एवरेज आ जाए और टेम्परेचर हो जाए कि 30 सेल्सियस आ जाए, तो फिर होगा क्या, तो वहां पर बनेगा मेल और फीमेल बनेगा 1:1 में, या फिर 50:50 में बनेगा, इक्वल इक्वल केस में वो चीज डेवलप होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इन केस ऑफ द मेडुसा, पढ़ा होगा मेडुसा भी आपने, जिसको आप मैराइन फिश के अंदर काउंट करते हो, जूलॉजी में आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा मैराइन फिश, उसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें जो मेल है वो कब बनेगा, कोल्ड वाटर में बनेगा, और वही जो वार्म वाटर उसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, फीमेल की फॉर्मेशन होगी, तो कोल्ड वाटर में क्या बनेगा, मेल, और अगर हम वार्म वाटर की बात कर दें तो क्या बनेगा यहाँ पर, फीमेल। इसी तरीके से कहीं पे मैग्नीशियम की बात आती है, कहीं पे कुछ आती है, बट जो मेन मेन एग्जाम्पल थे जो आपकी कंपिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस पहले वीडियो में सेक्स डिटरमिनेशन के में
हमने बात करी अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या होता है कि जो अपकमिंग ऑफ स्प्रिंग है वो मेल बनेगी या फिर फीमेल, इसका डिसाइड करना, उसका निर्धारण करना आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, सिंपल से आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब उसके लिए हमने बोले थे कि अलग अलग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से थे वो बोले गए थे, उसके जो बेसिक टर्म्स थी, किस किस ने क्या क्या बताया था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो ये एग्जाम्पल गिवन है बेटा वो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको स्टेटमेंट घुमा फिरा के दे देंगे कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, जैसे टर्टल का पूछ लिया, क्रोकोडाइल का पूछ लिया, तो आपको टेम्परेचर और एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की, अगर वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लेंथी है, तो उसके बाद में फिर हम बात कर देंगे किसकी, हैप्लोडिप्लोइडी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, एक दो और आएगी, ड्रोसोफिला में आएगी, जेनिक बैलेंस थ्योरी आएगी, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप शायद आपको ये वीडियो क्लियर होगा। बेटा आपका जैसा भी रेस्पॉन्स हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के, कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।